हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खटमल को हमेशा के लिए किस तरह से ख़त्म करें। ये उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमें लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे 1 रूम के लिए ही बनाना है। अगर आपको 2 या 3 रूम के लिए बनाना है तो आप जो है ना पानी की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हो। तो पानी मैंने 1 कप लिया है। और दूसरा हमें लेना है कपूर। तो देखिए, कपूर कुछ इस तरह से है, मैंने एक ही गोली ली है और मार्केट में इस तरह से मिल जाता है बहुत ही इजीली। तो अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो कपूर की भी मात्रा ज़रूर बढ़ाएं। तो कपूर का हमें पाउडर बनाना है सबसे पहले, तभी तो ये पानी में अच्छे से बढ़िया सी घुल जाएगा, मिक्स होगा, क्योंकि इस तरह से ये गलेगा नहीं और अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसको अच्छे से पाउडर बनाएंगे, फिर उसके बाद ही इसको मिलाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा हमें क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है जिससे हमारे घर के सारे खटमल जो है मर जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे हमेशा के लिए। फिर आपके घर में कभी खटमल होगा नहीं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर करें और ये नुस्खा आप आजमाएं और आपके घर में कभी खटमल जो है नहीं होगा। तो देखिए, हमारे पास है डेटॉल, एक पूरा ढक्कन मैं भर के ले रही हूँ। इसमें इतनी पावर होती है दोस्तों डेटॉल लिक्विड में, हम सब जानते हैं इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन है। तो इसके लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो डेटॉल भी ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आप ले सकते हो कोई भी डिटर्जेंट। तो मैं यहाँ पे एरियल का डिटर्जेंट ले रही हूँ और थोड़ा सी मैंने 1 चम्मच के जितना ऐड किया है। इसमें एक ऐसी एसिड होती है जिससे खटमल को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है और वो परेशान होकर भाग जाते हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये तो बन गया है, अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है बेड, सोफ़ा, जो भी जगह पे है आपको लगता है तो वहाँ पे अच्छे से आप ब्रश से इस्तेमाल करें और वो ब्रश आप दोबारा इस्तेमाल ना करें और जो वेस्ट है उसी का ही इस्तेमाल करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है कोई भी इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और अच्छे से हर जगह कोने कोने में स्प्रे करिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि खटमल है और है आते हैं तो वहाँ पर ज़रूर स्प्रे करें। और तीसरा तरीका तो ये है कि आप इस लिक्विड से डेली पोछा लगाएं 2 टाइम और इससे आपके घर में कभी खटमल नहीं लगेगा। कभी खटमल नहीं होंगे, होंगे तो मर जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। आपको हमेशा के लिए खटमल से जो है ना छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका तरीका भी मैंने बताया। तो दोस्तों, पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब